आउटर स्पेस एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और इंट्रिगिंग जगह है। हम धरतीवासी हैं और हमारी अपनी धरती ही हमें बहुत विशाल और मिस्ट्री से भरी हुई सी लगती है। लेकिन इस ब्रह्मांड में हमारी धरती एक एटम जितनी भी नहीं है। इतना विशाल है ये यूनिवर्स, और जितना विशाल हमारा यूनिवर्स है उतने ही ज्यादा सीक्रेट छुपे हुए हैं हर कोने में इस ब्रह्मांड के, जिनमें से हम 0.00001% सीक्रेट्स भी अनरैवल नहीं कर पाए। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का स्पेस स्पेशल वीडियो टाइटल्ड 20 स्पेस फैक्ट्स यू वोंट फाइंड इन टेक्स्ट बुक्स। नंबर 1, हमारा सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन साल पुराना है। पहले हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ मीटियोराइट्स थे, लेकिन फिर कई कोलिशंस, गैस एक्सप्लोजन और कॉन्डेंसेशन के बाद हमारे प्लैनेट्स बनना स्टार्ट हुए। मिट्टी और रॉक से बने मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और गैस से बने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो एक रॉकी प्लैनेट है और सबसे अंत में है, और हम अब भी कंफ्यूज है कि ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है या फिर नहीं। अभी के लिए तो प्लूटो को एक प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं डाला गया है और उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में देखा जाता है। और भी ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे एरिस जो प्लूटो से भी थोड़ा सा बड़ा है, और सूर्यमंडल में है होमिया, मेकमेक और सीरीज। नंबर 2, वीनस एक बहुत ही ज्यादा विंडी प्लैनेट है, और इन विंड्स की स्पीड वीनस के रोटेशन के स्पीड से 50 गुना ज्यादा है। नंबर 3, प्लूटो छोटा है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लूटो का डायमीटर यूएस की चौड़ाई से भी कम है? इसके अलावा प्लूटो का सरफेस छोटी सी नन्ही सी दुनिया। नंबर 4, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर की चकाचौंध कर देने वाली ऑरोरा लाइट्स, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग कड़कती ठंड में आते हैं, ये लाइट्स असल में सोलर विंड्स हैं जो सन की सरफेस से आती है। नंबर 5, प्लूटो भले ही छोटा प्लैनेट है, लेकिन इस प्लैनेट पे भी माउंटेन्स और वोल्केनोज जैसे लैंड मैसेस है, लेकिन जहाँ धरती के वोल्केनोज में से जलता सुलगता लावा निकलता है। नंबर 6, हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स और एक सन है। सन हमारे सोलर सिस्टम का लीडर है, जिसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। एंड एज वी ऑल नो, सन एक बहुत ही विशाल सेलेस्टियल बॉडी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सन इतना विशाल है कि हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास कंप्राइज करता है, और सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स और इवन एस्टेरॉइड्स बाकी के 0.14% मास कंप्राइज करते हैं। नंबर 7, सैटर्न के मून लैपिटस ने साइंटिस्ट को मोह के जाल में काफी लपेट के रखा है, बिकॉज ऑफ अ यूनिक फीचर। ये सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा सैटेलाइट मून है जो कि 2 कलर का है। लैपिटस का आधा एरिया डार्क कलर का है और आधा लाइट कलर का। कोई नहीं जानता इसका रीजन क्या है, लेकिन खोज जारी है। नंबर 8, जो लोग एलियंस में अब भी विश्वास नहीं करते, उन्हें बता दो, हमारी गैलेक्सी में 100 बिलियन सोलर सिस्टम्स हैं, और हमारी गैलेक्सी इस यूनिवर्स की अकेली गैलेक्सी नहीं है, बल्कि कई 100 बिलियन ऐसी और भी गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में है जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती। क्या इनमें से एक पर भी जिंदगी नहीं होगी? ऐसा हो सकता है क्या? एलियन लाइफ के ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने अपने साइंस यो इस वीडियो के बाद जरूर देखना। नंबर 9, सिर्फ प्लैनेट्स के ही मून हो ऐसा जरूरी नहीं है। 1993 में गैलीलियो प्रोब एक मिनिएचर एस्टेरॉयड के बगल से गुजरा था। इस एस्टेरॉयड का डायमीटर केवल 32 किलोमीटर था, लेकिन तब भी इस एस्टेरॉयड का एक 1.6 किलोमीटर डायमीटर का छोटा सा मून था जो उसके चक्कर लगा रहा था। नंबर 10, हमारे महासागर इतने बड़े हैं कि इनमें हमारी दुनिया के सारे लोग समा जाएंगे और तब भी जगह बच जाएगी। लेकिन जुपिटर पे एक ऐसा महासागर है जिसमें हमारी पूरी धरती समा जाएगी और तब भी जगह बचेगी, और ये महासागर पानी, गैस और मेटालिक हाइड्रोजन से, और इस महासागर की डेप्थ यानी गहराई हमारी धरती के सर्कमफेरेंस से भी ज्यादा है। नंबर 11, हमारी धरती पे कई वोल्केनोज है, जमीन पे भी और पानी के अंदर भी, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो धरती पे नहीं बल्कि मार्स पे है। ओलंपस मॉन्स नाम के इस वोल्केनो का बेस यूएसए के एरिजोना स्टेट जितना चौड़ा है, और इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। नंबर 12, अगर स्पेस में दो सेम मेटल से बनी चीजें कॉन्टैक्ट में आ जाती है तो वे अलग नहीं हो पाएंगी और परमानेंटली जुड़ जाएंगी। इस फिनोमेनन को कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं, और ये इसीलिए होता है क्योंकि दोनों चीजों के एटम्स को ये नहीं पता होता है कि वे अलग अलग चीजों के हैं। कोल्ड वेल्डिंग धरती पे नहीं होता क्योंकि दोनों चीजों के एटम्स जानते हैं कि वे अलग है, क्योंकि उन चीजों के बीच हवा और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो उन्हें सेपरेट करते हैं। नंबर 13, हमारी धरती से कई लाइट ईयर्स दूर हमारे गैलेक्सी में एक और प्लैनेट है जो कि पूरी तरह डायमंड से बना हुआ है, 55 कैंक्री ई।
जिसे सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, हमारी धरती से 2 गुना ज्यादा बड़ा है और पूरी तरह ग्रेनाइट और डायमंड से बना हुआ है। कूल राइट। नंबर 14, वीनस पे एक दिन 243 अर्थ ईयर्स के बराबर होता है, जबकि एक साल 225 अर्थ डेज जितना होता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वीनस जितनी तेजी से अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, उससे कई गुना ज्यादा तेज स्पीड पे सूरज का चक्कर लगाता है। नंबर 15, हमारी गैलेक्सी में एक ऐसा प्लैनेट भी है जहाँ 24/7 शीशे की बारिश होती है, और वो भी 4300 माइल्स पर आर की स्पीड पे। नंबर 16, प्लूटो एक बहुत ही छोटा प्लैनेट है, लेकिन इसका ऑर्बिट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट प्लूटो का ऑर्बिट धरती के ऑर्बिट से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है, और इसके ऑर्बिट में 20 लेयर्स है, सारी की सारी सुपर कोल्ड और कंडेंस्ड। नंबर 17, सन हमारे मून से 400 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन हमारा मून सन के मुकाबले हमारी धरती से 400 गुना ज्यादा पास है, और इसी कुदरत के ज्योमेट्रिकल करिश्मे के कारण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर इक्लिप्स पॉसिबल हो पाता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि मून के ऑर्बिट के कंटिन्यूसली चेंज होने के कारण 50 मिलियन सालों बाद सोलर इक्लिप्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नंबर 18, हमारी धरती या तो एक समय पे मार्स का हिस्सा थी या मार्स के लोग यहाँ आए थे। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सहारा डेजर्ट और एंटार्क्टिका में पाए गए कई सैंड और रॉक सैंपल्स मार्शियन ओरिजिन के हैं। कोई नहीं जानता कि ये कहां से आए, लेकिन इससे ये तो पता चल गया है कि मार्स और अर्थ के बीच कुछ तो कनेक्शन था। नंबर 19, न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत ही छोटे कंप्रेस्ड स्टार्स होते हैं, लेकिन ये स्टार्स होते बहुत ही वॉलेटाइल है और अपने एक्सिस के अराउंड ये बहुत ही तेजी से स्पिन करते हैं। इनफैक्ट कई न्यूट्रॉन स्टार्स एक सेकेंड में अपनी एक्सिस के अराउंड 600 चक्कर लगा लेते हैं। दिमाग चकराया ना। नंबर 20, सैटर्न ही एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसके आसपास रिंग्स है। जुपिटर, नेपच्यून और यूरेनस के आसपास भी रिंग्स है, बस वे बहुत ही ज्यादा पतले हैं इसीलिए दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन सैटर्न के रिंग्स बहुत ही ब्राइट, स्ट्रॉन्ग और मोटे हैं, इतने ज्यादा कि सैटर्न के एक मून पैन ने सैटर्न के कुछ रिंग्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए, और इस कारण उसका शेप एक अखरोट जैसा हो गया। सो फ्रेंड्स, क्या आप भी कुछ इंटरेस्टिंग स्पेस फैक्ट्स जानते हैं जो हमने यहाँ नहीं कवर किया? अगर हाँ तो मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में इन्हें जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन, ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो की अपडेट मिस ना कर सके। मिलेंगे अगली वीडियो में विद मोर फैक्ट्स, मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर ज्ञान। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।